पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर खिलाड़ी अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 8 अगस्त को हुए इस फाइनल में अरशद नदीम ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही 92.97 का थ्रो किया और ये ओलंपिक इतिहास का बेस्ट थ्रो रहा। इस इवेंट का सिल्वर मेडल भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया और फाइनल में नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में 89.45 मीटर का थ्रो किया, जो इस सीजन का उनका बेस्ट थ्रो रहा। अब अगर बात करें अरशद नदीम की, तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद का पाकिस्तान में हीरो की तरह स्वागत हो रहा है। अरशद नदीम को तरह तरह के गिफ्ट भी मिल रहे हैं। एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अरशद नदीम के लिए अब तक 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा की प्राइज मनी का ऐलान हो चुका है और इसके अलावा उन्हें कई सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। साथ ही मरियम ने अरशद को एक होंडा सिविक कार भी सौंपी। इस कार का नंबर काफी यूनिक है, जो कि है पाक 92.97। ये अरशद नदीम के रिकॉर्ड बनाने वाले थ्रो से मैच करते हुए रजिस्टर्ड किया गया है। उधर अरशद नदीम के ससुर ने उन्हें एक भैंस गिफ्ट किया और ग्रामीण इलाके में ऐसे गिफ्ट की परंपरा है, इसलिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें हम और भी गिफ्ट्स की, तो 11 अगस्त को उनके गांव में एक स्थानीय मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम के ससुर मोहम्मद नवाज ने कहा कि उनके गांव में भैंस गिफ्ट देना एक बहुत ही मूल्यवान और सम्मानजनक माना जाता है। फिर पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी अली शेखानी ने अरशद नदीम को एक नई सुजुकी ऑल्टो कार देने का ऐलान किया है, जबकि पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने 20 लाख रुपए का इनाम दिया। सिंध के मुख्यमंत्री ने नदीम को 5 करोड़ रुपए और सिंध के गवर्नर कामरान टेस्ट्री ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मशहूर पाकिस्तानी गायक अली जफर और क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी 10-10 लाख रुपए देने का उन्हें वादा किया है। पाकिस्तान के सकूर के मेयर इस्लाम शेख ने अरशद नदीम को सोने के मुकुट से सम्मानित करने का फैसला किया। यही नहीं, सकूर में एक नए खेल स्टेडियम का भी नाम अरशद नदीम के नाम पर रखा जाएगा। अरशद नदीम को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हिलाले इम्तियाज से सम्मानित किया जाएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसकी घोषणा की थी और कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने भी अरशद के नाम पर एथलेटिक एकेडमी की स्थापना करने की घोषणा की है। उधर अगर पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज की बात करें, तो नीरज चोपड़ा के लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल रूप से किसी भी प्राइज मनी की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि हरियाणा सरकार की खेल नीति के मुताबिक सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, तब उन पर पैसों की बरसात हुई थी और तब नीरज को बतौर प्राइज मनी 13 करोड़ रुपए मिले थे। गोल्ड जीतने पर हरियाणा सरकार की ओर से नीरज को 6 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं क्लास 1 की नौकरी देने की भी घोषणा हुई थी। वहीं पंजाब सरकार और बायजूस ने 2-2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। BCCI, चेन्नई सुपर किंग्स और मणिपुर सरकार ने भी 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को महिंद्रा XUV 700 कार गिफ्ट दिया था। नीरज चोपड़ा को इंडिगो ने भी खास तोहफा दिया था और कंपनी की तरफ से पूरे 1 साल के लिए उन्हें फ्री टिकट का ऐलान किया गया था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।